नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप शहरों के प्रदूषण से परेशान हैं, दुनिया की भागम भाग से परेशान हैं और छुट्टियों का कुछ वक्त प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं तो आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चले जाइए। वहां आपको बहुत सुकून मिलेगा। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रहने का इंतजाम कर लीजिए। मेरा मतलब है जंगल कैंप या वाल्मीकि विहार रिसोर्ट में बुकिंग जरूर करवा लीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आप जिस दिन वहां पहुंचे वहां कोई कमरा खाली ही नहीं हो और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। वाल्मीकि टाइगर रिसोर्ट और जंगल कैंप की बुकिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। वहां ऑफलाइन कोई बुकिंग नहीं होती। वहां जाने के बाद भी आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी होगी अगर कोई कमरा खाली है तो, क्योंकि वहां पे ऑफलाइन बुकिंग का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए मेरी सलाह माने और जाने के पहले जब आप प्लान करते हैं तभी अपने डेट में वहां जंगल कैंप में या वाल्मीकि टाइगर रिसोर्ट में बुकिंग जरूर करवा लें। तो कोशिश करें कि जब भी आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाएं तो वहां पे बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए वाल्मीकि टाइगर रिसोर्ट और जंगल कैंप, इनमें से किसी एक में बुकिंग जरूर करवा लें। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको और वो सारे कमरे दिखाऊंगा, कमरों का किराया कितना है, कमरे कैसे हैं। आप इस वीडियो से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे कमरे मिलने वाले हैं, उनका किराया कितना है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, क्योंकि जिन परेशानियों से मैं गुजरा वहां जाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप ना गुजरे और इसको देखने के बाद आपका छुट्टियों का मज़ा, आपका घूमने का मज़ा दुगना हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहां 4-5 दिन बिताए और मुझे वो सारी चीज़ें पता लग गई जो जाने के पहले अगर पता होती मुझे तो वहां और मज़ा आता। लेकिन कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाले दिनों में और बहुत सारी वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं डालूँ और आप उनसे लाभ उठा सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ किस किस तरह के कमरे हैं, क्योंकि मैंने वो सारे कमरों की बुकिंग कर रखी थी। वहाँ जितने भी कमरे अवेलेबल हैं उन सारे कमरों में मैंने एक एक दिन की बुकिंग कर रखी थी और हम एक ग्रुप में गए थे इसीलिए हमने कमरे अलग अलग बांट लिए थे। इसीलिए मैंने सारे कमरों का वीडियो रखा है तो वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, समझिए, उनका किराया समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि वो आपके बजट में बिल्कुल फिट होंगे, क्योंकि इतने सस्ते में और इतनी सारी सुविधाएँ वहाँ मिलेंगी आपको कि प्राइवेट होटल में ये पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट का है जब भी आपको इतनी सारी सुविधाएं और इतना अच्छा कमरा वहां मिल रहा है। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कमरा नंबर 1। ये वाल्मीकि विहार रिसोर्ट में है। इसका किराया एक दिन का 500 रुपये है। यहाँ रुकने के लिए 2 व्यक्तियों के लिए बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से बच्चे भी रह सकते हैं। बड़ा बेड होता है, कमरा बड़ा है। इसमें मैं जब गया था इसके अंदर एक कूलर रखा था, लेकिन ठंडी के दिन में वो कूलर कोई काम का नहीं था मेरे, लेकिन हो सकता है कि गर्मी के दिन में भी ये कूलर वहीं रहे। लेकिन ये बिल्कुल जंगलों के बीच है इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी लगने नहीं वाली। यहाँ हरा भरा माहौल है, चारों तरफ पेड़ पौधे भरे हुए हैं। ये देखिए, इसका बरामदा है आगे का। पीछे भी एक गेट खुलता है जो पीछे भी आप कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं अगर 2-4 दिनों के लिए। कमरे में टेलीविजन वगैरह रखा है, केबल कनेक्शन रखा हुआ। अगर आप न्यूज सुनना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, परे रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बिल्कुल मजे लीजिए। पूरा कमरा आपका है और इसमें कोई बोलने वाला नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, पूरा का पूरा खाली एरिया सामने देख रहे हैं। आप गार्डन में बैठ सकते हैं, गार्डन में हिरन घूम रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सामने नदी है, गंडक नदी, गंडक नदी के किनारे जाके बैठ सकते हैं। कमरा नंबर 2 वाल्मीकि विहार रिसोर्ट में, इसका किराया है 700 रुपये। ये पीछे वाले कमरे के जैसा ही है, बिल्कुल वही कमरा है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दी गई है, इसमें एसी लगा हुआ है। आप गर्मियों में जब भी आएंगे तो आराम से 200 रुपये का एक्स्ट्रा किराया होता है एसी का। 24 घंटे बिजली की सुविधा है, नो टेंशन, जनरेटर अवेलेबल है इस पूरे रिसोर्ट में। या फिर आप जंगल कैंप में रह रहे हो, वहां भी मैंने देखा हर कमरे में, जंगल कैंप वाले हर कमरे में इन्होंने इन्वर्टर लगा रखा है। दूर दराज के एरिया में लेकिन बिजली की सप्लाई भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अपना जनरेटर है, वो भी चलता रहता है अगर बिजली कट गई तो।
इसलिए आप अगर गर्मियों में भी आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एसी लगे हुए हैं कमरों में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो तरह के कमरे जो है इस वाल्मीकि विहार रिसोर्ट में अवेलेबल हैं और कमरों की संख्या भी अच्छी खासी है और कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरह के कमरे हैं, या वो एसी हो या नॉन एसी हो। एसी वाले में प्लस पॉइंट ये है कि उसमें एसी लगा हुआ है, बस और कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जंगल कैंप में। जंगल कैंप और वाल्मीकि विहार रिसोर्ट एक दूसरे से सटा हुआ है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, दोनों के गेट अंदर से भी एक खुलते हैं, बाहर से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जंगल कैंप में ये बांस वाले घर बनाए गए हैं, ये देख रहे हैं बैम्बू हट, ये सारे बैम्बू हट पूरी तरह से बांस के बने हुए हैं और दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं। ये आप अंदर या बाहर कहीं से भी देख लें, ये बिल्कुल आपको गांव जैसा एहसास दिलाएंगे। जंगल कैंप में ये बैम्बू हट जो बने हुए हैं बिल्कुल एक लाइन में, ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य बनाया गया है और बिल्कुल गांव जैसा ये माहौल बनाया गया है यहाँ पे, ये बैम्बू हट्स वगैरह जितने हैं और एक सीध में एक लाइन में सारे हट बने हुए हैं। आप यहाँ जब रहेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी गांव में हैं, किसी जंगल में हैं, और इसी ख्याल से शायद ये बनाए गए हैं। बैम्बू हट में मैं रहा, मुझे बहुत मजा आया। आप बैम्बू हट में रुक सकते हैं, बैम्बू हट का एक दिन का किराया है 1,000 रुपये, आप आराम से 1,000 रुपये के बुकिंग कराएं और इसमें रहें दो व्यक्तियों के लिए। यहाँ जितने भी कमरे हैं उनमें एक टर्म एंड कंडीशन की वेबसाइट पे लिखी होती है कि दो व्यक्तियों के लिए, तो लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे सारे लोग अपने फैमिली के साथ भी आते हैं, तो कभी बच्चे बच्चे भी हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीवी बच्चे सारे कुछ इसमें आराम से रहते हैं और जगह भी ज्यादा होता है, बेड छोटा बेड नहीं होता, बड़ा बेड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बैम्बू हट का किराया मैंने आपको बताया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एक दिन का किराया इसका, इसलिए आराम से आप बुक कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल पैसा वसूल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको वाल्मीकि विहार रिसोर्ट में मिल रही है। सारे कमरों में सुविधाएं सेम है, सारे स्टाफ वही है, सारे लोग वही है, बस बिल्डिंग अलग है। ये दो बिल्डिंग है, एक जंगल कैंप और एक वो। आइए अब दूसरे कमरे की बात करते हैं। तो ये दूसरा कमरा नहीं है, पूरा सूट है, तो इस सूट को देखते हैं। आइए, ये रहा ड्राइंग रूम और आप आराम से टीवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं आराम से। ये रहा बेडरूम, बेडरूम भी अच्छा है इसका, एसी लगा हुआ, एक दिन का किराया 1,250 रुपये है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा स्पेस है, नो प्रॉब्लम, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है ये, इसलिए बिल्कुल आराम से फैमिली अगर आती है आराम से इसमें रहे। इसकी भी बुकिंग की कीमत है 1,250 रुपये, 1,250 रुपये का ये सूट है, आप बुक कर सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर, ये कोई कमरा नहीं है, इसको कमरा ना कहें, ये है ट्री हाउस। ये पेड़ के ऊपर बना हुआ एक घर है, एक छोटा सा घर, आप इसको बुक कर सकते हैं। ये देखिए पेड़ के ऊपर, एक्चुअली ये लोहे के पिलर पे खड़ा है, ये इसके नीचे एक पेड़ है और पेड़ की शाखाएं पूरी तरह से इसको टच करती हैं, इसलिए पेड़ के ऊपर ही दिखता है। जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर जाइए आराम से, पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इनकी अपेक्षा इनके ये कमरा छोटा है। आप अगर बैम्बू हाउस में रहते हैं या कोई भी, यहाँ जितने भी कमरे मैंने आपको दिखाए इनके मुकाबले इसका कमरा थोड़ा छोटा है, इसका वॉशरूम छोटा है, सारा कुछ छोटा है, क्योंकि पेड़ के ऊपर है तो इतना बड़ा बनने का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर रहने का अलग मजा है। ट्री हाउस बहुत अच्छा है, अगर आप दो लोग हैं तो आप आराम से ट्री हाउस बुक कर लें, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, आपको लगेगा कि आप पेड़ के ऊपर ही हैं। मैं ट्री हाउस में रुका, मुझे बहुत मजा आया। आप ट्री हाउस से सामने गंडक नदी दिखती है, ट्री हाउस से व्यू बहुत अच्छा दिखेगा आपको, अगर आप सुबह सो के उठेंगे सामने नदी दिखेगी, नीचे ये बैम्बू हाउस खूबसूरत दिखेंगे। ट्री हाउस का किराया कोई ज्यादा नहीं है, आप जितने में बैम्बू हाउस का किराया देंगे उतने में ही ये हो जाएगा, 1,000 रुपये का ये भी है, 1,000 रुपये का आपका बैम्बू हाउस भी है। तो ट्री हाउस बैम्बू हाउस, क्योंकि उन कमरों के मुकाबले ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि पेड़ के ऊपर है और बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, साफ सफाई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारा कुछ अच्छा है इसका, बस इतना बड़ा नहीं बन सकता ना पेड़ पे, इसीलिए
ये उसके मुकाबले थोड़ा छोटा है। तो दोस्तों मैंने आपको वो सारी चीजें दिखाई, ये तो कमरे दिखा दिए मैंने आपको, ये 5 तरह के कमरे अवेलेबल हैं, इनकी बुकिंग कर लें, आपको जो मर्जी जिसमें मर्जी जो आपको अच्छा लगता है जो आपके बजट में फिट होता है वो कर लें। एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ इनका चेक इन का समय है 11 बजे, सुबह 11 बजे। अगर आप 9 बजे भी आए और इनके पास कमरे खाली नहीं है तो आपको 11 बजे ही देंगे ये, क्योंकि 11 बजे के पहले ये गेस्ट को नहीं बोल सकते कमरे खाली करने के लिए। तो जब भी आए ये समझ लें कि 11 बजे आपको वो कमरे मिल जाएंगे अगर आपने कमरा बुक किया हुआ है तो। तो ठीक है दोस्तों, अब इन कमरों की बुकिंग कैसे करेंगे, ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई, तो मैं एक और वीडियो बना के डाल देता हूँ कि वो कौन सी साइड है जहाँ पे इन कमरों की आप बुकिंग कर सकते हैं। ये सारे कमरे मैंने आपको दिखा दिए, यही कमरे हैं, इनका किराया मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।